हरियाणा डेंगू की चपेट में आ चुका है। इस साल के 10 महीने में ही डेंगू से 14 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 13 मौतें हुई थी। नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इस साल अभी तक 6,151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। सबसे ज्यादा खराब हालत पंचकूला और हिसार जिले की है। पंचकूला में अब तक 1,787 लोगों को डेंगू हो चुका है। वहीं हिसार में 1,158 लोग पॉजिटिव मिले हैं। गुरुग्राम में 422, यमुनानगर में 539, अम्बाला में 252 और रेवाड़ी में 222 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डेंगू मरीजों की बात करें तो हरियाणा में औसतन हर रोज 100 मरीज मिल रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से 500 से अधिक सैंपल लिए जा रहे हैं, जिनमें 100 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इससे पहले 2021 में 13 डेंगू के मरीज की मौत हुई, जबकि 11,835 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद भी हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने इससे सबक नहीं लिया और आज डेंगू को लेकर फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इससे पहले 2015 में 13 डेंगू संक्रमित की मौत हुई थी और 9,921 मरीज मिले थे।